नमस्कार, मेरा नाम कपिल जाखड़ है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर केस में सुनवाई करते हुए सरकार और टेलीकॉम कंपनियों को फटकार लगाते हुए पूछा कि कोई अफसर हमारा आदेश कैसे रोक सकता है। अगर आपने भी इस खबर को सुना है या देखा है मगर इसकी बारीकियों को समझ नहीं पाए हैं तो हम आपको रूबरू कराएंगे इस मुद्दे के हर पहलू से। आप शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर सोशल चैनल देखना, जहां हम आपको खबर दिखाते नहीं समझाते हैं। अब पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के तहत जिस कंपनी को लाइसेंस दिया जाता था उस कंपनी को लाइसेंस फीस के रूप में एक निश्चित रकम सरकार को देनी होती थी। सरकार ने कंपनियों को रियायत देते हुए 1999 में एक नया विकल्प दिया, जिसे साधारण शब्दों में समझें तो कंपनी को जो कमाई होती थी उसका कुछ प्रतिशत लाइसेंस के तौर पर सरकार को देना पड़ता था। इससे कंपनी जो निश्चित रकम देती थी उससे छुटकारा मिल गया। एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू AGR कंपनियों का कुल रिवेन्यू या राजस्व होता है, जिसका कुछ प्रतिशत शेयर करने के लिए सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच में सहमति हुई थी। इसके अंतर्गत टेलीकॉम कंपनियों को सालाना अपने AGR का कुछ प्रतिशत स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज और लाइसेंस फीस के रूप में सरकार को देना पड़ता था। स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज AGR का 3-5% तथा लाइसेंस फीस AGR का 8% होता है। दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम कंपनियों के बीच विवाद का जो मुख्य कारण है वो AGR की परिभाषा है। दूरसंचार विभाग का तर्क है कि AGR की गणना टेलीकॉम कंपनियों को होने वाली संपूर्ण कमाई के आधार पर होनी चाहिए, जिसमें डिपॉजिट पर ब्याज और संपत्ति की कुल बिक्री जैसे गैर टेलीकॉम स्रोत भी शामिल हों। दूसरी तरफ टेलीकॉम कंपनियों का तर्क है कि AGR की गणना सिर्फ टेलीकॉम सेवाओं से होने वाली आय के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा AGR होगा कंपनी को उतना ज़्यादा सरकार को पैसा देना पड़ेगा। इसलिए टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं कि AGR कम दिखाया जाए। 2005 में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI ने सरकार की इस परिभाषा पर सवाल उठाया। इसके बाद यह केस 2015 में TDSAT में पहुंचा। चलो पहले जान लेते हैं TDSAT क्या है। ट्राई एक्ट 1997 में संशोधन कर सन 2000 में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। इसकी स्थापना टेलीकॉम सेक्टर के सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के हितों की अपील पर सुनवाई और उनके हितों की रक्षा के लिए की गई थी। TDSAT में एक चेयरमैन तथा 2 मेंबर होते हैं। इसके मेंबर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। TDSAT ने इस केस में फैसला सुनाते हुए कुछ नॉन कोर रिवेन्यू को AGR से बाहर रखते हुए दूरसंचार विभाग की मांग पर रोक लगा दी। इसके बाद दूरसंचार विभाग ने TDSAT के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने इस केस में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि AGR की परिभाषा स्पष्ट रूप से एग्रीमेंट में लिखी हुई है। टेलीकॉम कंपनियों को जल्दी पूरा बकाया जमा कराने का आदेश भी दिया। यहां से इस मुद्दे का एक अलग ही मोड़ शुरू होता है। टेलीकॉम कंपनियों ने बकाया चुकाने के लिए मोहलत मांगी थी। उसकी अंतिम तिथि 23 जनवरी को जा चुकी थी। बकाया चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने और अधिक वक्त मांगा था, जिसे विभाग के एक अधिकारी ने पत्र जारी कर बकाया का भुगतान न करने वाली कंपनियों पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश जारी करके वो समय दे दिया। इस बात पर सख्त रुख दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अधिकारी को ये हक किसने दिया कि उसने कोर्ट के फैसले को ना मानते हुए टेलीकॉम कंपनियों को अधिक वक्त दिया। सरकार क्या कर रही है? अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट के होने या ना होने का क्या फायदा? अगर मनमानी करनी है तो फिर क्या हम सुप्रीम कोर्ट को बंद ही कर दें? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना करने के लिए एयरटेल वोडाफोन समेत अन्य कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर CMD को नोटिस जारी किया तथा इसके अलावा कंपनियों टेलीकॉम विभाग के अधिकारियों को
17 मार्च को समन किया है। केस की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रवैये के बाद सरकार और प्रशासन की नींद खुलेगी और इस मुद्दे को गंभीरता से एक्शन में लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो फेसबुक पर पेज को लाइक कर सी फर्स्ट का ऑप्शन क्लिक कीजिए और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। आप जुड़े रहिएगा हमसे, क्योंकि हम आपको खबर दिखाते नहीं, समझाते हैं।